वहीं हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट किसी को और सपोर्ट किसी को। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए दोनों पार्टी काम करेंगी और हम तो कांग्रेस के जन्म से विरोधी हैं। सरकार बनी है जिस प्रकार से बनी है, जो गठबंधन हुआ है, वो जो है वोट किसी की सपोर्ट किसी को, ये जो सरकार जो है ये इस किस्म से बनी है स्वार्थ से, क्योंकि जो जेजेपी है पार्टी है वो जनादेश के उसकी उन्होंने वो सम्मान नहीं किया, जनादेश का अपमान किया है और प्रजातंत्र में जनादेश का सदैव सम्मान होना चाहिए। क्यों कांग्रेस के माइंड के लिए आए थे क्या? कांग्रेस के तो हम, मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, आई थिंक वी आर द ओनली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी विच हैज नेवर अलाइंड विद कांग्रेस। बहुत बड़ी गलत फहमी में जो भी ये कह रहा आप, मेरे पिता और दादा को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कारनामा भूपेंद्र हुड्डा ने किया। हाँ तो भूपेंद्र हुड्डा पूछे ना किसने जेल में डाल रखा है और किस वजह से जेल में डाल रखा है।